नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्रोल ट्यूब पर। आप देख रहे हैं भाजपा की ये बंदर राल, ये झंडे लगातार लगे हुए हैं, सफेदो पूरे हलके में लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि दादा राम कुमार गौतम लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं, गाँव का भ्रमण कर रहे हैं, और सफेदो की जो महिला टीम है वो भी लगातार लगी हुई है, जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है जी। जी आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत मैडम, क्या बात, लगातार गांव के दौरे कर रहे हैं, जहां जहां दादा गौतम है वहां वहां महिला टीम है? नहीं, महिला टीम अपने पहले डोर टू डोर कर रही थी, आज ही मैं इनके साथ आई है। हाँ, तो कोशिश करेंगे इनके साथ ही रहें, और हमारा तो लक्ष्य यही है कि हमारा सफेदो नंबर वन हो जाए, कि बार बार एक इनके ऊपर टिक्का लगा हुआ कि हमेशा सफेदो बिकता है बिकता है। तो मैं तो सबसे हाथ जोड़ के ये कहती हूँ कि अब की बार फैसला ठीक दे दो, ताकि जब आप गांव में जा रहे हैं किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, किस तरह का जोश है भाजपा को लेकर? माहौल बहुत अच्छा है, अब आगे तो क्या पता लगता, लेकिन माहौल बहुत अच्छा है। काफी अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा है। महिलाओं में ज्यादा उत्साह है या पुरुषों में? दोनों में ही है जी। हाँ जी, दोनों में है। तो युवा तो और भी ज्यादा मतलब उत्साहित है, क्योंकि उनको थोड़ा सा देखो बुजुर्ग जो रहते हैं ना, अभी वो काफी मतलब जैसे हो गए उनका विचार, लेकिन युवा शक्ति जो जागेगी ना अपने देश के प्रति, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि देखो देश देश है, पार्टी आती जाती रहती है, लेकिन देश देश है। अगर देश हमारा नहीं था, एक पानी की बोतल पकड़े मैडम खड़े हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? विनोद कुमारी। विनोद कुमारी जी, क्या लग रहा है जब गांव में जा रहे हैं, कहीं हरा चश्मा तो नहीं उड़ा रहे लोग, या फिर वाकई में कहते हैं कि भाजपा को वोट देंगे? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जब हम महिलाओं के बीच में गए हैं, जेंट्स के बीच में गए हैं, युवाओं के बीच में गए हैं, उन्होंने यही कहा कि अब की बार सफेदों में कमल का फूल खिलाना है। यानी जो सूखा है इतने बरसों का, वो इस बार खत्म करा देंगे आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा होगा, गुलाब कमल के फूल ही खिलेंगे। हाँ जी, सरदार की मिठाई खिलाएंगे आपको, सरदार की मिठाई खिलाएंगे आप जी। मैडम, पसीना बहा रहे हैं लगातार, कुछ फायदा भी लग रहा है भाजपा को, या यूं ही अपना टाइम पास हो रहा है? बिल्कुल, आप खुद ही पहचान, आप देख भी सकते हो ना, जोरे शोरे से काम चल रहा है, कि हमें तो वैसे ही लग रहा है, 100% श्योर है कि अब के कमल का फूल ही आएगा। एग्जैक्ट 100%। लेकिन लोग कह रहे हैं दादा गौतम आएंगे। दादा गौतम ही खिलाएंगे। हाँ जी, एग्जैक्ट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात, दादा गौतम ने कहा था कि एक हफ्ते मुझे ये दिखा दो सफेदों वालों कि यहाँ सब ठीक है, यहाँ से भाजपा जीत रही है, तो फिर मैं हरियाणा निकल जाऊंगा। इसीलिए लगे पड़े आप लोग के फटाफट ये दिखा दे कि भाई साहब सफेदों जीत गए, आप निकल जाइए दादा जी। ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि बस दादा गौतम जीत जाए, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने बोली अभी, क्योंकि अब की बार दादा गौतम, दादा गौतम, हाँ नायब की सरकार नायब। देखो आपको भी पता है, पहले दादा गौतम सफेदों में, तो दादा गौतम नायब जी तो है। वाह जी वाह, वाह, चलिए। हाँ जी, बात करेंगे आप, क्या नाम है आपका? शकुंतला नाम है मेरा। शकुंतला जी, हाँ जी, मैं रत्ताखेड़ा से। रत्ताखेड़ा से, हाँ जी। तो इतनी दूर रत्ताखेड़ा से यहाँ क्या करने आए रोजना में? हम अपना पसीना बहाने आए हैं। पसीना बहाने, हाँ जी, कमल के फूल के लिए। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे सफेदों में कमल का फूल खिले। पहले पहले नहीं खिला को कमल का फूल? खिला है, पहले भी खिलाया है। हाँ जी, पहले भी, पहले मोदी जी का खिलाया है। मोदी जी का खिला? हाँ जी, अब की बार, अब की बार, हाँ जी, दादा का फिर नायक। चलिएगा, हमारे अगर गांव की बात करूं, गांव के मौजूद लोग भी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, तो आप बने रहिए, कुछ और मैं लोगों से बात करूंगा, तो आप बने रहिएगा कंट्रोल टीवी के साथ, लगातार बने रहिए, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।